गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट लेसन थ्री, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. फार्मर और हर्डर्स मीन्स जो पालते हैं जानवर, भेड़ बकरी जो पालते हैं उनको हर्डर्स बोलते हैं. फार्मर्स किसान, इसमें आप पढ़ चुके हैं मेजर डेवलपमेंट्स इन द नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज जो है ये लगभग 10,000 साल पहले था, आज से 10,000 साल पहले. और इस नियोलिथिक एज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जो जिसको आप पढ़ चुके हैं. मकानों का बनना, मकान कैसे बनते थे आप देख सकते हैं यहाँ पर. इनके टूल्स थे, ये पालते थे जानवरों को भी, और इनके औजार भी बनते थे, टूल्स वगैरह पत्थर के, पोटरी भी उस समय डेवलप था. न्यूरोथिक टाइम का ये पोटरी है, पॉलिश करते थे, डिजाइन बनाते थे. व्हील का डेवलपमेंट भी हो चुका था, आपने पढ़ लिया है डेवलपमेंट ऑफ व्हील, दिस इज सॉलिड वुडन व्हील, ये सब आप पढ़ चुके हैं. अब मैं आज स्टार्ट करूंगा आपका टूवर्ड्स द सेटल लाइफ. इनकी लाइफ कैसे सेटल हुई, इन्होंने एग्रीकल्चर में उगा, पहले तो स्टोर करते थे, फिर इन्होंने प्रोड्यूस करने लगे, और इन्होंने ग्रुप में एक जगह पर सेटल हो गए, और उसको हमने गांव कहा, विलेज कहा. और इस समय के जो मैन मेड हाउसेस थे वे मड के बने होते थे, मड के, और थैज्ड रूफ, थैज्ड माने घास फूस की छत होती थी, और सब मकान एक दूसरे से सट करके बनते थे, और उसकी बाउंड्री भी होती थी मड की वाल हो, या तो थार्नी बुसेस कांटे वाले झाड़ियां लगाते थे जिसको हम कहते हैं फेंसिंग, आज कांटे के तार लगाते हैं. तो यहां तक का डेवलपमेंट ये पहुंच चुके थे. और अब जब इकट्ठा रहने लगे तो उनके अंदर कुछ रिलेशंस और आपसी भाईचारा की भावना पैदा हुई. फैमिली एंड ट्राइब कल्चर, फैमिली एंड ट्राइब कल्चर्स, ये लोगों में साथ रहने की, क्लोज ग्रुप में रहने की धीरे धीरे शुरुआत हुई, और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ फैमिली एंड ट्राइब इमर्ज्ड. इस तरह से एक परिवार और ट्राइब का शुरुआत हुआ. ग्रुप में रहने से कुछ रूल्स कस्टम्स थे जिनको लोग जिसका पालन करते थे. अर्ली ट्राइब पीपल्स, अर्ली ट्राइबल पीपल्स, आज भी आप देखते हो पहाड़ी एरिया में कहीं कहीं पर ट्राइबल पीपल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल्स. तो नियोलिथिक पीपल्स के बारे में यहाँ पर कुछ हम आपको चीजें बताएंगे. जैसे इन्होंने ऑक्यूपेशंस क्या कर रहे थे उस समय, उस समय इनका ऑक्यूपेशन था हंटिंग, शिकार करना, गैदरिंग, एक जगह इकट्ठे होते थे आपस में, फिशिंग, मछली पकड़ते थे, हर्डिंग, भेड़ बकरियां पालते थे उनको चराते थे, फार्मिंग, किसानी करते थे, लैंड में अनाज बोते थे और उसको काटते थे. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जैसे लैंड है, जंगल है, वाटर है, इसके बारे में इनको जानकारी हुई. और इनका एक ग्रुप का एक लीडर भी होता था, एंड दैट लीडर जो होता था या तो ओल्ड मैन होता था या तो यंग मैन हो, तो काफी स्ट्रांग और ब्रेव होता था, बहादुर, जिससे लोगों की रक्षा कर सके और सबके बारे में सोच सके. और यही लीडर जो है
जिसका चुनाव लोग करते थे वही रूल्स बनाता था, रेगुलेशंस बनाता था ट्राइब्स के लिए। वो जो जाति एक है, ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन वही बनाता था, एक लीडर चुन लिया करते थे। यहां तक इनका विकास हुआ। आदमियों का ऑक्यूपेशन था, आदमी लोग क्या करते थे, हंटिंग शिकार करना, फार्मिंग किसानी करना, हर्डिंग जानवरों को चराना पालना। और वुमेन्स क्या करती थी, औरतें बीज बोती थी, सोइंग सीड्स बीज बोती थी, हार्वेस्टिंग ग्रेन्स हार्वेस्टिंग का काम करती थी, फसलों से अनाज निकालती थी दाना, और हाउस होल्ड घर की देखभाल करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, ये औरतों का काम था। और इस तरह से मैन और वुमेन ये दोनों मिल करके ये पॉट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, क्लास और हट्स झोपड़ियां बनाते थे। तो ये विकास जो है इस पीरियड में हुआ। अब ये नियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये नियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ खुदाई हुई है, इनके अवशेष मिले हैं, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आप एक मैप देखिए बना हुआ है इंडिया का। इस मैप में आपको दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ है मेहरगढ़, ये ग्रीन रंग की बिंदी है मेहरगढ़, इसमें पाकिस्तान में है, यहाँ पर ये लोग रहते थे नियोलिथिक लोग, ट्राइब्स लोग। ये देखिए बर्जा होम जम्मू कश्मीर में है, बर्जा होम यहाँ भी रहते थे। इसी तरह से महगरा है, यहाँ भी रहते थे। देवजली हेडिंग ये आसाम में पड़ता है, यहाँ भी ट्राइब्स का मिला हुआ है, खुदाई हुई है, वो सबूत मिले हुए हैं। इस तरह से इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में हैं लिखा हुआ है नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहाँ आप देखिए साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या था, महरगढ़ इम्पॉर्टेंट जो है, महरगढ़ यहाँ पर देखिए ये है महरगढ़, बर्जा होम भी ये नियोलिथिक पीरियड का लोगों का घर मकान रहता था, बर्जा होम। ये बर्जा होम आप देखिए जम्मू कश्मीर में है, ये है। ड्यूजली हेडिंग ये आसाम में है। ते नक्शा बना करके आप जो है इंडिया का मैप बना करके ये सारे साइट्स आप दिखाएंगे मैप में। केस स्टडी का मतलब मेहरगढ़ जो है ये नियोलिथिक विलेज, अर्लीएस्ट नियोलिथिक विलेज खुदाई में मिला है, गांव मिला है। यहाँ पर ये 1974 से 1986 के बीच में यहाँ खुदाई हुई, फ्रेंच टीम ने ये काम किया, और यहाँ पर 7000 से लेकर के 2500 BC तक के जो है अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं इसमें मिला है कि व्हीट एंड बार्ली का एक कल्टीवेशन करते थे, और डोमेस्टिकेशन करते थे कैटल का, सीप का, गोट का, पालते थे इनको। और आइटम्स जो इनके टूल्स वगैरह मिले उस पर ये पॉलिश भी करते थे, स्टोन को पॉलिश भी करते थे, ये इनके पॉट्स हैं। तो मेहरगढ़ में ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर मिला। पोटर्स व्हील जो एक गोला होता है चक्का जिसपे वो कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं, वो भी यहाँ पर मिला था मेहरगढ़ में जब खुदाई हुई। मेहरगढ़ विलेज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, मकान जो है या तो स्क्वायर में होते थे या तो रेक्टेंगुलर शेप होते थे, मड और ब्रिक का बना होता था, मड ब्रिक का। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हाउस है मड के बने हुए हैं,
houses, what are the houses at Mehrgarh made of? Mud. How many rooms were there in the each house? एक घर में लगभग चार कमरे होते थे मेहरगढ़ में. स्टोरेज के लिए भी इनका होता था रूम जहां ये इकट्ठा करते थे. और जब लोग मर जाते थे तो मरने के बाद जब उनको दफनाते थे तो डोमेस्टिक एनिमल को भी दफनाते थे, ये सोच करके कि मरने के बाद इसके भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं. ये ट्राइबल की परंपरा थी, जो भी जिसको दफनाओ कोई मर जाए तो उसके साथ एक डोमेस्टिक एनिमल को भी दफना देते थे कि ये जो मरा हुआ आदमी है उसके भोजन काम करेगा. इसी तरह से बर्जा होम है, बर्जा होम का भी केस स्टडी हुआ है. बर्जा होम में क्या होता है, यहाँ पर जो हाउसेस थे वो पिट हाउसेस थे. पिट का मतलब जमीन में गड्ढा खोद दिया और बिल्कुल गुफा टाइप बना दिया और उसके अंदर रहते थे और इनका वही घास फूस की छत लगा देते थे जिसे पानी वगैरह उसमें नहीं आवे. यहां भी पोटरी बनाते थे, पोटरी भाई जिसे बनता था व्हील होता है, कुम्हारों का व्हील जिसे कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं वो भी यहां पर मिला हुआ है. स्टोन के टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन, बोन्स के भी टूल्स यहाँ पर मिले हुए हैं. लाइक मेहरगढ़ जो पहले आपने देखा, अभी यहाँ भी जब कोई मरता था तो उसको जो है जानवरों के साथ दफनाते थे कि ये जो मरा हुआ है उसके भोजन काम करेगा. इसी तरह से आसाम में जो ट्राइब रहते हैं डॉजली हेडिंग, डॉजली में ये जगह पर खुदाई हुई है, यहाँ पर भी मिले हैं. यहाँ पर मोटर्स, मोटर्स मतलब खरल होता है, खरल जिसमें हम कूटते हैं, जिसमें कूटते हैं खरल बोलते हैं उसको. और पेस्टल्स, पेस्टल्स मतलब होता है मूसर, मूसर से कुटाई करते हैं पोर्टल में, ये भी वहां पर मिला है. पोटरी बर्तन बनाने का था, बर्तन बनाने का वो मिला वहां पर भी. और कुछ जो है यहां पर ग्रीन प्रिशियस स्टोन्स मिले जो माना जाता है कि चाइना में डिस्कवर हुआ है, चाइना से आया हुआ है. तो ये लियो आपने देखा कि नियोलिथिक एज में ये डेवलपमेंट हुआ. अब आपको हम बताते हैं इसके बाद आफ्टर एग्रीकल्चर एक कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज आया लियोलिथिक एज के बाद, कैल्कोलिथिक एज या इसको हम कहते हैं इस समय जो है जो वीपन्स वगैरह बने, इनके असलहे बने, हथियार बना, ये सब यहाँ मेटल का प्रयोग होने लगा. पहले स्टोन था अब ये मेटल का होने लगा, इसलिए इसको हम कैथोलिक कैल्कोलिथिक एज को हम कापर स्टोन एज भी कहते हैं, कापर स्टोन एज. यहाँ पर मेटल का आविष्कार हुआ और इनके जो हथियार वगैरह बनाते थे ये सब आप देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, ये इनके हथियार हैं, ये सब देखिए भाला टाइप का है, ये है, ये करते थे कापर को मिक्स करते थे टिन के साथ, कापर मिक्स्ड विद टिन ये बन जाता है ब्रांज. ब्रांज में थोड़ा जंग वगैरह नहीं लगता है, तो इतना डेवलपमेंट इनके अंदर हो गया था कैल्कोलिथिक एज में. ये कैल्कोलिथिक एज कब था, 4000 से 2000 ईसा पूर्व. ये काफी शॉर्ट पीरियड रहा, इस एज ग्रुप में मेटल्स का आविष्कार हुआ और मेटल्स के हथियार वगैरह बनने लगे. तो इस तरह से आपने देखा जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट वेयर द फर्स्ट माइन मेड हाउसेस मेड अप ऑफ, मड का था और घास फूसे का था. व्हाट वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन ऑफ द न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज में आदमियों का क्या काम था, मैन आदमी लोग क्या करते थे. व्हेन वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड, मेहरगढ़ जो है कहाँ लोकेटेड है. डिफाइन
कैल्कोलिथिक एज, अभी जो हमने पढ़ाया है इसमें मेटल का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट पीरियड में किस तरह से ये सारे आविष्कार हुए, लोगों की सभ्यता आगे बढ़ी। अब आप एक बार देख लीजिए न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर बन गए, फ्रूट प्रोड्यूसर, फूड के प्रोड्यूसर बन गए, अनाज पैदा करने लगे। पहले क्या करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, फूड गैदरर थे, गैदरर। इसके बाद प्लांट एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे, प्लांट्स और एनिमल्स पालने लगे। इसके बाद क्या हुआ, ये न्यूलिथिक टूल्स बनाने लगे, जिसमें पत्थर के बनते थे, हार्डर स्टोन्स का बनाते थे, हार्ड स्टोन जो है उसका टूल्स बनाते थे और उनको अच्छी धार देते थे उस पर। फिर क्या हुआ, न्यूलिथिक मैन को जानकारी हुई कि व्हील, व्हील का इस्तेमाल इन्होंने पोटरी बनाने के लिए किया और ये स्टोर करने लगे ग्रेन्स वगैरह को। नेक्स्ट आया, इसके बाद क्या हुआ, न्यूलिथिक एज में ग्रेड चेंज किया हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड सेटल डाउन परमानेंटली इन ए ग्रुप, ये ग्रुप में रहने लगे, गांव का निर्माण हुआ और इन्होंने अपना हाउस बनाया मड का, छत बनाई और एक मिल के यहाँ रखने लगे, अपनी बाउंड्री बना लिया इन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, आइडियल आइडिया ऑफ फैमिली इमर्ज, एक साथ रहने से परिवार का भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। और इसके बाद आया कापर पीरियड, कापर पीरियड जिसमें ये कैल्कोलिथिक एज जिसको हम कहते हैं ये आया। तो इस तरह से ये विकास हुआ पिछानी का और इस सब का। आप इसमें जो एक्सरसाइज है, हमने एक्सरसाइज आपकी इसमें सब कर दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया। एक्सरसाइज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिर है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हमने कर दिया है, ट्रू एंड फॉल्स इसको भी कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी कंप्लीट है एक्सरसाइज, अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन आर फ्यू वर्ड्स, ये भी हमने लिख दिया है यहाँ पर। जैसे द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल अडॉप्टेड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, क्या प्रोसेस अपनाया उन्होंने, डोमेस्टिकेशन उनका पालन किया। द पीरियड व्हेन मैन बिकेम ए फ्रूट प्रोड्यूसर, मतलब अनाज पैदा करने लगे, किस पीरियड में, नियोलिथिक एज में। तो ये सब लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। और ये आपका एक्सरसाइज जो है ई और एफ, ये दोनों हम पीडीएफ बना के भेज दे रहे हैं इसका आंसर, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे होमवर्क लिख दिया हमने, राइट एक्सरसाइज ए टू एफ इन कॉपी, यहाँ तक आप कर लेंगे। थैंक यू।